हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बॉक्स लेके आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, डेन का है जिसका मॉडल नंबर होता है C763 है। दोस्तों ये हमारा बॉक्स क्या हो रहा है, ये चालू नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाया था। देखिए हमारा 5 वोल्ट का एडाप्टर है। देखिए मैंने वीडियो का वायर भी लगा दिया है और यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का स्लोप नहीं जा रहा है। देखेंगे तो ये देखिए कोई भी स्लो इंडिकेटर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा पावर से होता है, जैसा कि पावर आईसी हुआ, रिसेट हुआ। तो मैंने बॉक्स को ओपन करके साफ करके रखा है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो वोल्टेज का ही है। तो हम वोल्टेज के पहले चेक करेंगे। ग्राउंड पे कहीं ग्राउंड ले लेंगे दोस्तों। और पहला हम पहले चेक करेंगे यहाँ पे हमें 5 वोल्ट, ठीक है। ये 5 वोल्ट आने के बाद से दोस्तों हमारा ये डायबोर्ड के पास चेक करेंगे। ये 5 वोल्ट हमारा यहाँ डायबोर्ड पे भी आ रहा है। फिर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक रीसेट लगाया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे रीसेट लगाया गया है। ये रीसेट पे चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। देखिए हमें यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा है। फिर दोस्तों उसी रीसेट के अप में ऊपर साइड में चेक करेंगे 5 वोल्ट, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमें थोड़ा वोल्टेज कम आ रहा है, 4.4 आ रहा है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ से भी इशू हो हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे हम, और हमें ये रीसेट को निकाल देना चाहिए। मैं दोस्तों आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए वीडियो को पूछ करके मैं पहले बोर्ड को पूरा निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम चेक करेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे देखिए रीसेट को निकाल दिया है, ये रीसेट हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर बगल में ही उसके पॉइंट रहते हैं दोस्तों, ये देखेंगे तो 2 पॉइंट होता है नो, इसको दोनों को एक में शॉर्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने कैसे इसे अच्छे से शॉर्ट कर दिया दोनों को एक में। और अब हम चेक करेंगे वोल्टेज इसका, कि हमारा आगे वोल्टेज प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारा 5 वोल्ट आ गया, उसका लाइट भी देखिए लोस्ट तो आ गया, क्योंकि हमारा यहीं से इशू था। अभी वहाँ पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट हमें वहाँ पे क्लियर आ गया, देखेंगे तो पूरा क्लियर 5 वोल्ट आ गया। फिर ये आईसी से हमारा 3.3 चेक करेंगे, ये 3.3 हो गया है। फिर भी उसके बाद से दोस्तों हमारा यहाँ डायबोर्ड देखिए 4 डायबोर्ड लगाया गया है, जो पहला हमारा 2.7, 2.6, 2.5 और 1.8, ठीक है। उसके बाद से रीसेट है दोस्तों हमारा यहाँ पे 3.3 चेक करेंगे। यहाँ पे रीसेट पे भी हमें 3.3 क्लियर हो रहा है, मतलब अभी हमारा दोस्तों फॉल्ट था, तो ये हमारा यहाँ पे ही था, रीसेट खराब हो गया था, जिससे हमारा जो 5 वोल्ट होता है वो अप नहीं हो रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा था। तो दोस्तों अभी हम ऑडियो वीडियो का वायर लगा के चेक करेंगे कि हमारा चालू प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ, और कुछ इशू है कि नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों हमारा बॉक्स चालू हो गया है, और रिचार्ज नहीं, इसमें बहुत दिनों से बंद रहा होगा, इसकी वजह से एरर 11 आ रहा है। एरर 11 का मतलब दोस्तों रिचार्ज बहुत दिनों से बंद है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इंस्टाग्राम पे जाके दोस्तों में फॉलो भी करें। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।